ये देखो आपको दिख भी रहा है कितना लिटरली में ऊपर चला जा रहा है ये ड्रोन, ये खो जाएगा हमको लग रहा है। पूरा ऊपर आसमान में सटा भी दे तब भी कुछ नहीं होगा इस ड्रोन को। सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू राइट नाउ वाचिंग अ गूगल ट्रिक्स ऑफ व्लॉग। सो दोस्तों, आज ये वीडियो काफी ज्यादा हटकर होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम ड्रोन के ऊपर वीडियो बनाया था तो 5 लाख लिटरली लोगों ने जो है प्यार दिया था उस वीडियो में, 5 लाख से ज्यादा जो व्यूज चला गया था। एंड बहुत लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि भाई जो है आप कोई बजट का ड्रोन बताओ, बिकॉज वो ड्रोन तो काफी परफेक्ट था, वो काफी दूर तक 10 किलोमीटर का रेंज था, कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा ऑसम था, लेकिन वहीं पे उस ड्रोन का प्राइस लगभग 1.5 लाख रुपए था। तो काफी लोगों को जो है बस कुछ सस्ता ड्रोन चाहिए था, बेस्ट बजट ड्रोन चाहिए था। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं HX का 750 ड्रोन, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट ड्रोन है। सबसे बेस्ट मतलब बजट रेंज में, मतलब सबसे कम रेंज में एकदम मस्त ड्रोन है। इसको मैंने उड़ाया और हर एक चीज देखा हूं। तो आज मैं आपके लिए 2 ड्रोन लाया, एक व्हाइट कलर और एक ब्लैक कलर, दोनों आपके सामने अनबॉक्स करूंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा, फिर मैंने कितने में खरीदा, कहां से खरीदा, सारा चीज बताऊंगा। मेरे पास बिल भी है इसका, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड आप कहां से खरीद सकते हो। एंड उसके बाद सारा टेस्टिंग करूंगा, उड़ा करके दिखाऊंगा, भेज कर दिखाऊंगा। इनफैक्ट इसमें जो कैमरा दिया हुआ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा एंड हर एक चीज। और एंड लाइक बहुत सस्ता ड्रोन है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। उड़ाने में तो इतना मजा आएगा ना कि पूछो मत। तो चलो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैंने जो है वो दो मंगवा लिया था, मतलब कितना चीप एंड बेस्ट होगा आप खुद समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो व्हाइट को अनबॉक्स करेंगे, दोनों में सेम एक्सेसरीज आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो बताऊंगा। तो मैंने इसको अनबॉक्स ऑलरेडी कर दिया था, तो इसको सबसे पहले जो है हम लोग निकालते हैं। तो इसमें एक इधर से निकलता है जो कि मेन हमारा जो है वो ये ड्रोन हो जाता है, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं एंड उसी के दूसरे साइड से भी हम लोग जो है इसको ओपन करते हैं। उसी के बाद इसमें एक मैनुअल आ जाता है कि इसमें क्या है नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हो, जो ये दिख रहा है ना वो इस ड्रोन का ये कैमरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रिमोट्स का सारा कंट्रोल बता है कि ये कैमरा का बटन है, 1 key to return है, मतलब कि कहीं दूर भेज दो उसके बाद की दबा दो तो वापस जहाँ से उड़ा था वहाँ आ जाएगा, फॉरवर्ड फ्लिप की मतलब गोल गोल भी घूमेगा एंड फ्लिप भी करेगा, हर एक डिटेल है, ठीक है। उसके साथ में एक चार्जर और 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर आ जाता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसका रिमोट देखने के लिए। तो ये चार्जर है छोटा सा, ठीक है, आराम से आप इसको चार्ज कर सकते हो। प्रोपेलर भी छोटे छोटे हैं, काफ़ी मस्त एकदम। एंड लाइक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, टूटेगी नहीं, सबसे अच्छी बात है कि टूटेगी नहीं जल्दी। तो चलो इसको भी साइड रखते हैं एंड अब हम लोग देखेंगे भाई इसका रिमोट। ये देख सकते हो कितना मतलब क्यूट सा लग रहा है यार, ऑन है ऑफ है, एकदम मस्त क्यूट सा लग रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियोज इसका हो जाता है, इससे आगे पीछे नहीं, सॉरी इससे ऊपर उड़ेगा और इससे आगे पीछे कर सकते हैं। एंड कितने सारे बटन्स हैं लिटरली में, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब हमारे पास जो है इसको भी साइड कर देते हैं, ड्रोन को अब निकालते हैं। तो चलो इसको अनबॉक्स कर दिए एंड ये रहा भाई हमारा ड्रोन, लिटरली में कितना छोटा है। एंड इसका अगर हम लोग आगे की बात कर ले तो ये देख लो कितनी छोटी सी कैमरा है एंड इसका क्या क्वालिटी आएगा वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने लायक होगा। मतलब क्या मज़ा आ जा रहा है यार, मतलब ऐसे हाथ के सामने छोटा पड़ जा रहा है कितना। मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा ड्रोन है अभी तक का एंड भाई क्या जबरदस्त उड़ती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ में इसमें, और इसमें बैटरी वगैरह भी लगता है। तो चलो बैटरी वगैरह लगा कर एंड इसको अब आपको हर एक डिटेल उड़ा कर दिखाते हैं। सो गाइज, ये देख सकते हो ये है ब्लैक ड्रोन एंड वाइट ड्रोन। आप कमेंट करके बताना कि आपको दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले दोनों को कनेक्ट करता हूँ। इसमें 2 वायर है, इन दोनों वायर को बस क्या करना है आपको मिला देना है। इन दोनों को जैसे ही आप जो है वो मिलाओगे कुछ इस तरीके से जो है वो ये RGB लाइट्स इसका जो है जलने लगेगी एंड लाइक देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है। तो ब्लैक को भी एक बार जला देते हैं एंड अब देख सकते हो, ठीक है। तो और एक बार लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाते हैं एंड ये देख सकते हो कि क्या मस्त जो है लग रहा है। मुझे ऐसे व्हाइट वाला थोड़ा ज्यादा ही बेटर लग रहा है। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा जो है बेटर लग रहा है। सो गाइस, रिमोट यहां पर से ये ड्रोन ऑन हो गया। अब रिमोट ऑन करने के लिए क्या सीन है कि सबसे पहले इसमें बैटरी भी साथ में देखने को मिलता है। तो तीनों बैटरी लगा दोगे, साथ में कवर भी है। मैंने कवर लगाया नहीं है, बाद में लगा लूंगा। तो यहां पर सबसे पहले यहां से इसको ऑन करना पड़ता है। तो चलो इसको ऑन कर दिए, ये देख सकते हो आवाज का, अभी ये ब्लिंक कर रहा है। जब तक ये एक कलर में नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार नीचे
देख सकते हो अब जो है वो ब्लिंक करना बंद कर दिया, सेम कलर, मतलब अब ये टेक ऑफ के लिए रेडी है। और इसकी सबसे खास बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्या गजब की यार, 1.5 लाख की जो ड्रोन है ना उसका भी इतना बिल्ड क्वालिटी नहीं। तो सबसे पहले इसको उड़ा कर दिखाते हैं, तो ये देख सकते हो। और अब अगर मान लो इसको पूरा ऊपर लेकर जाएं और पूरा ऊपर आसमान में सटा भी दे तब भी कुछ नहीं होगा इस ड्रोन को। ये देख सकते हो अभी ऊपर से जो है गिरा, बट ड्रोन को कुछ भी जो है वो लाइक नहीं हुआ एंड तुरंत बंद हो जाता है। मतलब अगर इसको लगा ड्रोन को कि ये गिरने वाला है कुछ भी, तो तुरंत ऑफ हो जाता है। फिर अब हम लोग क्या करें, एक बार आगे एक बार नीचे, सेम कलर हुआ, अब इसको उड़ाएंगे फिर से एंड फिर से आपको एक बार दीवार में सटा कर दिखाएंगे क्या गजब लगेगा। तो सबसे पहले इसको ऑन किया, अब ऊपर ये देख सकते हो मैंने ऊपर भेजा, एकदम स्टेबल है एंड अब दीवार में सटा दिया। ये देखो एकदम मकड़ी के जैसा सट गया एकदम दीवार में एंड लाइक मैं अगर इसको नीचे भी करूं तो ये देख सकते हो पूरा रूम में उड़ाओ, जहां टकराना है वहां टकराओ, कुछ नहीं होगा। देख सकते हो एकदम जिधर मन है उधर लेकर के जाओ। ये देखो मतलब कहीं भी टकराए कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा इसका लिटरली में बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। एंड रूम में अगर सेम अगर जितना मैंने अभी इसके साथ किया ना वही मैं 1.5 लाख का वो DJI के साथ करता तो अब तक पूरा तहस नहस हो जाता, पूरा टूट फट जाता, बट इसके साथ कोई ऐसा सीनैरियो नहीं है। साथ में ये बहुत ऊपर जाता है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से कनेक्ट हो गया, तो चलो एक बार फिर से उड़ाते हैं एंड पूरे रूम में उड़ाते हैं इसको। ये देखो, ओ भाई साहब, ये देखो इधर लेकर जाऊंगा इधर आएगा, कुछ भी नहीं होगा इस ड्रोन को, चाहे इधर गिराओ चाहे उधर गिराओ। चलो फिर से गिरा, चलो फिर से देखो कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं फिर से यहां से। ये देखो एकदम मकड़ी जैसा एकदम जिधर तिधर चला जा रहा। चलो अब इसको गोद पे रखकर एक बार उड़ाते हैं। ये हुआ कनेक्ट, ये ऊपर गया, ऊपर में ही अटक गया, मतलब लिटरली में। अब उसको निकालना होगा, इसे मकड़ी उकड़ी का जाल भी साफ किया जा सकता है। सही बात है। चलो अब इसको बीच से टेक ऑफ करते हैं। बस। मतलब क्या बच्चों लोगों को खेलने के लिए एकदम मस्त है एकदम, मतलब कि ये गया। नहीं जाएगा, देखो इसमें फंस गया ना, बस इसको निकाल दो, छोड़ो। अरे साथ। मतलब कि इन शॉर्ट में इस ड्रोन को रूम में उड़ाने से कोई तकलीफ नहीं है, जाले वाले साफ कर लो जो करना है करो, बट अब इसको चलो ग्राउंड में उड़ाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि लाइक इसकी क्या परफॉर्मेंस रहेंगी एंड कितना मजा आएगा। सो गाइज अभी हम लोग जो है ग्राउंड में आ गए एंड मजे की बात पता है आपको, ये दोनों ड्रोन एक ही रिमोट से कंट्रोल होती है और ऊपर जाती है। कैसे आपको दिखाते हैं एंड कितना ऊपर जाता है वो तो दिखाएंगे ही। तो चलो दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो दोनों जो है वो ब्लिंक करना बंद हो गया, मतलब दोनों एक साथ हो गया। थोड़ा दूर रख देते हैं ताकि दोनों टकराए ना एंड अब उड़ाते हैं। एक उधर और एक इधर, किधर किधर चला जा रहा है ड्रोन, तो दोनों साथ में उड़ाना थोड़ा, मतलब उड़ तो जा रही है बट एक इधर और एक इधर जाने के कारण जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो फिर से एक बार उड़ाते हैं, एक को बंद कर देते हैं ना, क्योंकि पता एक इधर चला जा रहा है एक उधर चला जा रहा है तो खो जाएगा ऐसे, तो इसको एक काम करते हैं बंद कर देते हैं। तो चलो अब आपको दिखाते हैं कि ये कितना ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये देखो आपको दिख भी रहा कितना लिटरली में ऊपर चला जा रहा है ये ड्रोन। मेरा DJI का जो Air 2S था वैसा ही एकदम लगभग है, बट थोड़ा कंट्रोल, हाँ है कंट्रोल है, खो जाएगा खो जाएगा हमको लग रहा है। थोड़ा नीचे लाइए, थोड़ा नीचे लाइए, जंगल में गिर जाते हैं नुकसान में। वापस बुला, अरे बुलाएं कैसे रे भाई, जा रहा आगे अंकल, छोड़ दे गिरा दे, नीचे गिरा दे, वही कर रहे हैं। नहीं जंगल में नीचे गिरा दे, चल जाएगा,
जा बाबू जा। देखते हैं, जूम करो दिखेगा। गिर गया वहीं पे। तो देखो बच्चा जो है वहां से लेकर के आ रहा है, मतलब कि मिला जुला कर कि इसमें पावर है भाई, बहुत ऊपर तक जाता है, बट वही है कि कंट्रोलिंग थोड़ा सीखना पड़ेगा कि लाइक क्या करने से आगे जा रहा है क्या पीछे, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं ना उड़ाया हूँ इसीलिए। तो देखते हैं, पूरा खुश बच्चा एकदम। चलो रखो नीचे, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। कंट्रोल मतलब थोड़ा एक बार देख लेते नीचे में ही, है ना। अच्छा पीछे आ ही नहीं रहा है, देखो आसमान में खो जा रहा है, पीछे बहुत स्लो आ रहा है। ओहो पीछे आ ही नहीं रहा है, आ रहा है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। सो गाइज इसका भी आपको एक बहुत बेस्ट फीचर मैं नहीं दिखाऊँ, एंड आई डोंट नो कि वो DJI 2S जो मेरे पास ड्रोन है, जो लगभग 1.5 लाख का ड्रोन है, उसमें भी ये फीचर है, तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग ऊपर ले करके जाते हैं और ऐसे घुमाते हैं, तो देखो ये कैसे गोल गोल घूमता है। सीधा करो, फिर से ऊपर ले करके जाते हैं, आप देखो ये कैसे गोल गोल घूमेगा, ये देखो क्या गजब का, मतलब एकदम गोल गोल घूम रहा है। मतलब खेलने वेलने के लिए बढ़िया है। पीछे नहीं आता है, लेकिन यही दिक्कत है, पीछे आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक इसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। ब्लैक वाला उड़ाकर देखते हैं। सो गाइज इतना देर से हमने ड्रोन उड़ाया, बट बहुत सारे कुछ इसके बारे में पता चला। पहला कि बहुत पावरफुल है, पावर का मैं आपका अंदाज़ा लगाता हूँ, देखो बहुत पावरफुल है, आवाज़ भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कंट्रोल थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, एंड ये छत वत से आप नहीं उड़ा सकते, इसको ग्राउंड में लाकर आप उड़ा सकते हो। एंड अब बात रही इसका कैमरा का, ठीक है। तो कैमरा भले ही जो है वो हर एक चीज़ में दिया हुआ है, इसके बुक में भी इसके बारे में बताया गया है, बट मैंने बहुत कोशिश किया कि इसमें कहीं चिप डलने का, SD कार्ड डलने का ऑप्शन होगा या भाई देखने का, बट ऐसा मुझे कोई ऑप्शन मिला नहीं। सो आई थिंक ये जो कैमरा है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, मुझे नहीं पता, बट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या इसका कैमरा जो है वाकई में वर्किंग है, अगर आपको पता है तो। बाकी ड्रोन काफ़ी परफेक्ट है, एक बार और आपको स्पीड से ऊपर ले करके जाते हैं इसको, एंड दिखाते हैं कि कितना स्पीड से ये ऊपर जाएगा। वाओ दिख तक नहीं रहा, इतना ऊपर चला गया, लिटरली में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कैफ एकदम नहीं, दिख तक नहीं रहा, इतना ऊपर चला गया। आई थिंक कंट्रोल खो देगा अब। वाओ अरे यार ये तो मेरा DJI Air 2S जितना ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया। और अब इसको नीचे टेक ऑफ गिराते हैं, कहाँ गिरेगा जाकर। ये देखो कैसे गिर रहा है एकदम आराम से, अब दे देंगे पावर, बस बस अब बुला लेते हैं इसको। देखो अब मेरे पास में आ रहा है, मतलब कंट्रोल है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं, बस उड़ाने अगर सीख जाओ तो फिर हर एक चीज़ पॉसिबल है। देख सकते हो मैंने कितना ऊपर भेजा, एंड लाइक अभी आराम से मेरे पास में आ रही, क्योंकि कंट्रोल लगभग धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे वैसे सीखता भी जा रहा हूँ। सो गाइज यही था ये कुछ ड्रोन, एंड बैटरी इसका लगभग जो है वो आधे घंटे का बैकअप देती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आधे घंटे के बाद उसके बाद अब 15 या 20 मिनट तक अगर इसको चार्ज कर लिया जाए देन परफेक्ट है ये, एंड भाई खेलने के लिए मस्त है। बट अगर आप सोचोगे कि
मैं वीडियो कैमरा करूं या कैमरा क्वालिटी के लिए तो उसके लिए बेटर नहीं है, बट अगर आप खेलने के लिए लाइक मस्ती के लिए तो ये बहुत औसम है, बहुत मज़ा आता है उड़ाने में एंड फील एकदम जो है वो लगभग 1.5-2 लाख वाला ही ड्रोन वाला आता है। बस कंट्रोल थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, जो कि महंगे ड्रोन्स में क्या होता है कि सारा स्क्रीन से होता है एंड लाइक 1 क्लिक 2, जैसे कि उसमें क्या था कि आप 1 क्लिक करो तो बुला सकते हो, तो वो मैंने ट्राई किया, वो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ देखने का एंड हो सकता है कि वो होगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा कोई सिनेरियोज नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप ये ड्रोन खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप खरीद सकते हो, काफ़ी औसम है, 2-3 हज़ार के अप्रॉक्स में ये ड्रोन आ जाता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, तो ज़्यादा जानकारी के लिए चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन को एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और इसी तरह और भी ड्रोन्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप।